हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उत्तराखंड में सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री को लेकर है। हर कोई जानने को उत्सुक है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। मुख्यमंत्री की दौड़ देहरादून से लेकर दिल्ली तक जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है उसके अनुसार उत्तराखंड के सीएम के लिए जिन प्रमुख नामों पर बीजेपी आलाकमान विचार कर रहा है उनमें सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी का नाम है, फिर श्रीनगर विधायक धन सिंह रावत और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी का नाम शामिल है। विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों ऑब्जर्वर शनिवार को देहरादून आ सकते हैं और विधायक दल की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई नेताओं से मुलाकात हुई। बात क्या हुई इसको लेकर कयास लग रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद सीएम धामी ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया, लेकिन इन सब मुलाकातों का सीधा संबंध राज्य के अगले मुख्यमंत्री से है। चलिए आपको बताते हैं पुष्कर सिंह धामी का दावा सबसे मजबूत क्यों है। पुष्कर सिंह धामी के बारे में भाजपा के बड़े नेता ही मानते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव उनके मुख्यमंत्री चेहरे पर लड़ा और पार्टी को बड़ी जीत भी मिली। भले ही धामी खटीमा विधानसभा से खुद चुनाव हार गए हों, इसके लिए जनता में खराब मैसेज नहीं जाएगा। मतलब धामी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है और उत्तराखंड पोस्ट के पास की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक धामी का नाम लगभग तय हो गया है और विधायक दल की मीटिंग में धामी के नाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाएगा और धामी के नाम का ऐलान भाजपा कर देगी। धामी के लिए करीब 7 बीजेपी विधायक अपने सीट तक छोड़ने को तैयार हैं। इनमें कपकोट विधायक सुरेश गड़िया, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा, लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी और उनके साथ अब रामनगर के बीजेपी विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी अपनी सीट धामी के लिए छोड़ने को तैयार हैं। वहीं खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी अपनी सीट छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं। हालांकि धामी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन धामी के नाम की क्यों अभी घोषणा हुई नहीं है तो ऐसे में सवाल आपके मन में भी होगा कि अगर पुष्कर सिंह धामी नहीं तब कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी अक्सर सरप्राइज देती है। इससे पहले झारखंड में रघुवर दास हो, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर हो, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर हो या फिर इससे पहले उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी ही क्यों ना हो, हर बार बीजेपी ने इन लो प्रोफाइल नामों को मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी देकर सबको चौंकाया है, इसलिए सरप्राइज से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सबको चौंकाने के मूड में है तो पुष्कर सिंह धामी के बाद सबसे मजबूत दावा कोटद्वार से विधायक पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी का है। आपको बताते हैं रितु खंडूरी का दावा मजबूत क्यों है। कोटद्वार से चुनाव जीतने वाली पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी की बात करें तो रितु का महिला होना उनकी मुख्यमंत्री बनने की संभावना को बढ़ा रहा है। देश भर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक भी मुख्यमंत्री महिला नहीं है। जिस तरीके से उत्तराखंड में भी महिलाओं का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और बीजेपी के टिकट पर सबसे ज्यादा 6 महिला विधायक जीती हैं, जिसमें पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी का नाम भी शामिल है, उससे भी रितु खंडूरी की दावेदारी मजबूत हो रही है।
उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।